मध्य प्रदेश में तालाब में डूबे एक शख्स के लिए पुलिस देवदूत बनकर पहुंची और उसकी जान बचा ली। समय पर CPR देने की वजह से युवक के दिल की धड़कन बंद नहीं हुई और उसके प्राण लौट आए। अब अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की हालात पहले से बेहतर है। गांव के लोगों ने उसे मृत मान लिया था। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार से तेज बारिश जारी है, जिससे तवा नदी के 5, कलियासोत के 3 और भदभदा डैम का 1 गेट खोलना पड़ा है। अगले 4 दिन तक भारी से हल्की बारिश का अनुमान है। राजधानी भोपाल में 1.6 इंच, रायसेन में 2.4 इंच और अन्य जिलों में भी पर्याप्त वर्षा दर्ज की गई है। भोपाल में दिन दहाड़े 5 लाख की लूट का मामला सामने आया है। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना MP नगर थाना क्षेत्र के किनल देव टावर चौराहे के पास की है। रेल यात्रियों को बड़ी सौगात मिली है। भोपाल से रीवा के बीच आई नई ट्रेन शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरी झंडी दिखाएंगे। भोपाल रीवा भोपाल सुपरफास्ट भोपाल से प्रत्येक शुक्रवार और रविवार चलेगी। रीवा से शनिवार और सोमवार को नियमित तौर से ट्रेन चलेंगी। केदारनाथ दर्शन के यात्री भूस्खलन के कारण फंस गए, इसमें मध्य प्रदेश के भी 61 यात्री शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि चार धाम की यात्रा के दौरान केदारनाथ में फंसे प्रदेश के 61 यात्रियों में से 51 यात्रियों को शुक्रवार को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित रुद्रप्रयाग पहुंचाया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लिखे पत्र में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च की स्थापना की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि संस्थान की स्थापना के लिए उपकरण निर्माण कार्य शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों की स्वीकृति की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने लाडली बहना योजना की पात्र महिलाओं को रक्षाबंधन पर 250 रुपए देने का ऐलान किया था। 10 अगस्त को MP की लाडली बहनों के बैंक अकाउंट में 1250 के बजाय 1500 रुपए आने वाले हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में अजीबोगरीब मामला सामने आया। शमशान घाट में मृत शरीर की चिता जलाने वाली जगह एक मोटरसाइकिल का अंतिम संस्कार किया गया। अज्ञात लोगों ने बाइक को लकड़ी और कंडे के बीच रखकर आग के हवाले कर दिया। अब शमशान में जली हुई बाइक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ईडी ने जौनपुर से सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में कानपुर रोड पर स्थित कुशवाहा की करोड़ों रुपए की जमीन जब्त करी है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले की है। राजधानी दिल्ली कोचिंग हादसे पर घिरे विकास दिव्यकीर्ति ने पीड़ित छात्रों की मदद के लिए दो बड़ी घोषणाएं की है। विकास दिव्यकीर्ति ने एक तरफ जहां हादसे में जान गंवाने वाले स्टूडेंट के परिवारों को आर्थिक सहायता का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस कोचिंग के अन्य स्टूडेंट को भी फ्री क्लास देने का ऐलान किया है।